सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य धाम में शहीद परिजनों का सम्मान करेंगे। देहरादून के 204 शहीद परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। सैन्य धाम के शहीद द्वार का नाम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। विधानसभा स्थित कक्ष में मीडिया से बातचीत करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के रूप में उत्तराखंड का पांचवा धाम विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के शहीदों की यादों को संजो कर रखा जाएगा और सैन्य धाम के लिए 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी को लाया जाएगा, जिसे अमर जवान ज्योति की बुनियाद में लगाया जाएगा। 63 करोड़ की लागत से बनने वाले सैन्य धाम में शहीद जसवंत सिंह और हरभजन सिंह के मंदिर भी बनाए जाएंगे। धाम में अमर जवान ज्योति म्यूजियम, थिएटर, गन टैंक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे। मंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को चमोली के स्वाट गांव में शहीद सम्मान यात्रा शुरू की गई थी, जिसका गुनियाल गांव में समापन होगा। तो ऐसे में आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां पर शहीद परिवारों का सम्मान वो करेंगे। विपिन रावत के नाम पर सैन्य धाम के द्वार का नाम रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, और राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां पर वो शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आज ये कहा जा सकता है कि सैन्य धाम, जिसकी परिकल्पना पीएम मोदी और उत्तराखंड सरकार चाहती थी, क्योंकि सैन्य धाम के तौर पर इसे बनाया जा रहा है, और क्योंकि उत्तराखंड एक सैन्य भूमि है और सैन्य भूमि में कई ऐसे वीर हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और लेकिन ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार चाहती थी कि प्रदेश में एक ऐसा सैन्य धाम बनाया जाए जहाँ लोग पहुंचे सैन्य समझे कि आखिरकार किस तरीके से, चाहे कारगिल युद्ध हो या फिर अन्य कोई भी युद्ध हो, उनमें के वीर जवानों ने किस तरीके से अपना योगदान दिए, उन लोगों की जो घर की मिट्टी है वो लाई जा रही है, यानी कि जो सैन्य यात्रा बीजेपी सरकार चला रही थी उसका समापन भी आज किया जाएगा। और आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही सैन्य धाम का जो अंतिम दिन आज है, यानी कि जो रैली का अंतिम दिन है, उसका भी वो लोकार्पण करेंगे। साथ ही सैन्य धाम की जो शुरुआत है वो आज से हो जाएगी, और जिसकी परिकल्पना राज्य सरकार और उत्तराखंड के सैन्य भूमि के लोग चाह रहे थे, वो आज से भाजपा सरकार द्वारा बनना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए सैन्य धाम में तो राजनाथ सिंह पहुंचेंगे ही, जिस तरह से कि आपने भी बताया कि शहीद परिवारों के घर की मिट्टी लाई जाएगी सैन्य धाम में, साथ ही यहां पर देखिए और तमाम चीजें जो हैं वो भी बनाई जा रही हैं कि म्यूजियम, थिएटर, गन टैंक, ये सब भी जो आकर्षण का केंद्र बनेंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, क्योंकि सैन्य धाम केवल एक जगह का नाम रखा जा रहा है, और कहा जा सकता है कि वहाँ वो सब चीजें रखी जाएंगी जो सेना से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो म्यूजियम के तौर पर लोगों को दिखाने के लिए हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस तरीके से उत्तराखंड वीरों की भूमि है और वीरों की क्या महत्वपूर्ण योगदान भारत में रहा है, उन सभी चीजों को दिखाने का, प्रदर्शनी करने का भी जो स्थितियां वो बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, और तमाम जो चीजें हैं महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे वो किसी सेना के घर से लाई हुई उसकी टोपी हो, कपड़े हो, या फिर उसके बारे में जो भी जानकारी है, तमाम चीजें म्यूजियम के तौर पर बनाई यहाँ जाएगी, ताकि लोग उनको देखें, समझें और देश भावना उन लोगों में जगे। जी जी चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर सैन्य धाम में वो पहुंचेंगे, शहीद परिवारों का सम्मान वो करेंगे।